सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के हुसैनाबाद शहर के वार्ड नंबर 3 के निवासी जगदीश राम ने एक पत्र राज्य के मुख्यमंत्री को प्रेषित कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर आवाज उठाया है। उन्होंने लिखा है कि उसके पुत्र रंजीत कुमार की हत्या 6 माह पूर्व हुई थी और नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था, परंतु पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ने की दूर की बात सुधी लेना भी मुनासिब नहीं समझा। विदित हो कि रंजीत कुमार गढ़वा जिले के नगर उटारी ब्लॉक में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित था। इसी बीच 17 मार्च को अचानक एक कमरा से रंजीत कुमार का शव बरामद हुआ। इसके बाद मृतक के पिता ने 5 लोगों के विरुद्ध 20 मार्च को नगर उटारी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी तो दूर की बात, अब तक नामजद आरोपियों की मोबाइल भी सीज नहीं किया गया, जिससे हत्या में शामिल लोगों की उद्भेदन आसान हो जाता। उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस हत्या में अनुसंधान की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि दोषी लोगों को शीघ्र सजा मिल सके। हुसैनाबाद से सत्येंद्र चंदेल की रिपोर्ट। आपके पुत्र का हत्या हुआ 6 महीना हो गया, हाँ। अभी तक क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ है अभी तक। कहाँ कहाँ आप लोग आवेदन दिए? आवेदन दिए पुलिस विभाग में। अच्छा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक, 6 महीना हो गया। मुख्यमंत्री को भी पत्र दिए हैं आप लोग? मुख्यमंत्री को तो भी दिए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरे पुत्र का दुर्घटना का सूचना थाना को दिया है। कितना दिन हुआ घटना का? 6 महीना हुआ। 6 महीना हुआ, क्या क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम महानिदेशक पुलिस को पत्र दिया हूँ। अच्छा, उच्च पदाधिकारियों को पत्र दिए, अभी तक क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हाँ। ना अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया। अच्छा, आप किससे मांग कर रहे हैं अभी? हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो अपना कार्यवाही यथाशीघ्र पूरा करके कोर्ट को दो।